अरे मित्रों नमस्कार, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ आप लोग का हमारे जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो ये वीडियो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड बीएफएम एमसीक्यू का पार्ट टू है। इससे पहले मैंने पार्ट वन लाया था। बेसिकली ये 50 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, जिसको आप एक बार खुद से टाइम टेबल लेके एक बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीएफएम का जो पेपर है वो न्यूमेरिकल पेपर ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल में यदि फॉर्मूला में गलत फॉर्मूला पुट किया तो गलती होने के चांसेस हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसके एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। आपने जो भी थ्योरी मेंटेन रखा है उससे देखिए, यदि नहीं मेंटेन रखा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको मैं थ्योरी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर क्विक रिविजन सेशन अवेलेबल है मॉड्यूल वाइज ए बी सी डी का, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। ये बेसिकली एक सेशन का फायदा ये होगा कि आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन सा, इनमें से कौन से प्राइमरीली लायबल होते हैं। पहला कन्फर्मिंग बैंक है, दूसरा रिमबर्सिंग बैंक है, तीसरा इशूइंग बैंक है, और चौथा है इशूइंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक। तो फ्रेंड्स बताइए, करेक्ट आंसर है इसका सबसे पहले इशूइंग बैंक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यदि इशूइंग बैंक फेल कर जाए तो ये कन्फर्मिंग बैंक की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला जिम्मेवारी किसका है दोस्तों? इशूइंग बैंक का। और यदि इशूइंग बैंक फेल कर जाए तो ये जिम्मेवारी किसका है दोस्तों? कन्फर्मिंग बैंक का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, अ रिपोर्ट अबाउट डेथ ऑफ द नॉन रेजिडेंट इज रिसीव्ड हु हैज मेंटेन एनआरओ अकाउंट विथ नॉमिनेशन। तो एक रिपोर्ट था, ए बैलेंस इन द अकाउंट विल बी, देखिए हुआ क्या कि नॉन रेजिडेंट के डेथ के बारे में एक रिपोर्ट के बारे में पता चला, जिसने एनआरओ अकाउंट मेंटेन किया था नॉमिनेशन के साथ। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। ए, जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो एनआरओ अकाउंट ऑफ नॉमिनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यदि नॉमिनी भी जो है नॉन रेजिडेंट है। बी, जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो नॉर्मल नॉमिनी के नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि वो रेसिडेंट है। सी कर रहा है कि जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो अब्रोड भेज दिया जाएगा नॉमिनी के रिक्वेस्ट पे। डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो सी ऑप्शन नॉन करेक्ट है, बाहर नहीं भेज सकते हैं तो आप दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखिए, जो हमारा बैलेंस अकाउंट का है वो उसके नॉमिनी में चला जाएगा यदि वो नॉन रेजिडेंट है, यदि वो रेजिडेंट है तब भी नॉमिनी के अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आप नॉमिनी के रिक्वेस्ट पे उस पैसे को बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, फेमा एक्ट 1999 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा चीज किसे फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में इंक्लूड नहीं किया गया है। ए है डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, बी है बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, सी है डिमांड ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक पेबल इन फॉरेन करेंसी, डी है डिमांड ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन होम करेंसी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो फेमा एक्ट 1999 के अनुसार आप डिमांड ड्राफ्ट और या ट्रैवलर चेक ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन होम करेंसी को आप फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। एक बैंक ब्रांच ने एक टर्म लोन सैंक्शन किया है 10 लाख का 7 साल के लिए 3% ब्याज दर पे, जो कि बेस रेट से के रिस्पेक्ट में है दोस्तों। फंडिंग जो है वो किया जा रहा है, एक डिपॉजिट है 3 साल का 7% इंटरेस्ट पे। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्री पेमेंट ऑफ लोन पे और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फॉर कस्टमर पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन किस प्रकार के रिस्क से एक्सपोज है, समझ रहे हैं बात को? एक तरफ आपका टर्म लोन है और दूसरे तरफ आपका डिपॉजिट है। टर्म लोन भी 7 साल का है, इंटरेस्ट 3% का है, और डिपॉजिट भी 3 साल का है और इंटरेस्ट रेट 7% है। देखिए अंतर अलग अलग है, समझ रहे हैं बात को? मैच्योरिटी मिसमैच है यहाँ, एक 7 साल है एक 3 साल, एक 3% है एक 7% है, रेट रेट का भी मिसमैच है। तो कौन सा रिस्क है? लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, गैप और मिसमैच रिस्क है, और एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेकिन आप यहां फंस जाइएगा। देखिए मिसमैच तो दिख ही रहा है यहां पे, लेकिन एक लास्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर प्री पेमेंट ऑफ लोन एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, यही गेम चेंजर है दोस्तों, यही की पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जब ये लिख दिया है कि प्री पेमेंट ऑफ लोन या डिपॉजिट के विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन मेक द ट्रिक, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्री पेमेंट और विड्रॉल, अदरवाइज ऑल आर डिफरेंट। देखिए इंटरेस्ट रेट भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, तो वो गैप रिस्क होता, लेकिन लास्ट लाइन के कारण ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, गैप रिस्क क्या है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या है। इसको डिटेल में मैंने अपने रिस्क मॉड्यूल बी का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है रिस्क वाले टॉपिक में, आप जाके वहां देख सकते हैं यदि आप, और ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर है, ऑथराइज डीलर मे एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश अप टू ₹ इतना अगेंस्ट सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवल अब्रोड।
देखिए, ऑथराइज डीलर कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश अगेंस्ट सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए। वेर एवर द सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड द अमाउंट इक्विवेलेंट टू डैश द पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड ओनली बाय क्रॉस चेक, बैंक चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का जो सेल है वो इतना अमाउंट का एक्सीड करेगा तो पेमेंट जो है क्या तो क्रॉस चेक में होगा या पे ऑर्डर में होगा या डिमांड ड्राफ्ट में होगा, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड में होगा। पहला है 50,000, दूसरा है 49,999, तीसरा है 20,000 और चौथा है 19,999। तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, याद रखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल अब्रूड कैन बी परचेज फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन अगेंस्ट रुपी पेमेंट इन कैश बिलो ₹50,000। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने फॉरेन एक्सचेंज को फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉ किया जा सकता है फॉरेन विजिट के लिए या एब्रोड ट्रैवल के लिए कुछ किसी पर्पस के लिए। पर्पस देखिए क्या है, एज गिफ्ट टू पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और एज डिनोशन टू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब यदि मान लीजिए कोई भारत से बाहर रह रहा है उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिनोशन आप डोनेशन कर रहे हैं क्योंकि भारत से बाहर है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज को आप ड्रॉ कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ऑप्शन ए है $3,000, ऑप्शन बी है $5,000, ऑप्शन सी है $10,000, ऑप्शन डी है $2,50,000। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी $2,50,000। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या इंक्लूडेड नहीं है। पहला है अकाउंट मेंटेनेंस, दूसरा है ब्रांच कोऑपरेशन बैंक के बिहाफ में, तीसरा है ऑथेंटिफाइंग एंड एडवाइजिंग ऑफ एलसी और चौथा है कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में हमारा ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में इंक्लूडेड है, यानी अकाउंट मेंटेनेंस भी है, एलसी का एडवाइस करना ऑथेंटिफाई करना भी है और चेक और बिल का कलेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू एन अनएंटिसिपेटेड विदड्रॉल ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज। अब देखिए क्या हुआ कि पहले से एंटिसिपेट नहीं किया गया था और लगातार विड्रॉल पैसा का होते जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक जरूरत हो जाएगी कि नेट आउटफ्लो को रिप्लेस किया जाए। तो ऐसे में कौन सा रिस्क आता है, कॉल रिस्क, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कौन सा होगा बताइए। तो दोस्तों ऐसे में टाइम रिस्क आता है हमारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी का पार्ट है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हैं। द नीड टू कॉम्पेंसेट फॉर नॉन एक्सपेक्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड। देखिए समझिए बात को, उसमें था आउटफ्लो, समझ रहे हैं, और इस केस में क्या है इनफ्लो। तो अब आपको क्या करना है कि जो नॉन रिसिप्ट पैसा नहीं है रिसिप्ट हो रहा है और इनफ्लो आ ही नहीं रहा है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो नीड आता है उसमें कौन सा रिस्क होता है, कॉल रिस्क, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किसी एनपीए के क्लासिफिकेशन में एक अकाउंट स्टैंडर्ड से लॉस कैटेगरी में चला जाता है जब, ऑप्शन ए कराए जब लॉस ऑफ सिक्योरिटी 10% से ज्यादा हो जाए, ऑप्शन बी कराए लॉस ऑफ सिक्योरिटी 50% या उससे ज्यादा हो जाए, ऑप्शन सी कराए लॉस ऑफ सिक्योरिटी 90% से ज्यादा हो जाए और डी कराए कि स्टैंडर्ड अकाउंट को सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, यदि सिक्योरिटी का वैल्यू जो है 90% से ज्यादा इरोड हो जाए तो एसेट को क्लासिफाई कर देना चाहिए लॉस एसेट में। ठीक है, तो वही कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक 7 साल का 7.5% बॉन्ड है जिसका सेमी एनुअल इंटरेस्ट यील्डिंग 8% दिया हुआ है और 5 साल मैच्योरिटी के लिए बचा हुआ है। मैकलॉन ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है 3.9 ईयर। तो प्राइस में क्या चेंज होगा यदि मार्केट यील्ड जो है 7.90% घट जाए। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन ए है इंक्रीज बढ़ जाएगा 0.39% से, बी है 0.375% से बढ़ जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बीएफएम के एग्जामिनेशन में जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। निश्चित रूप से आप सफल होंगे यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को एकदम डेडिकेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो सी में कर रहा है कि प्राइस इतना उससे बढ़ जाएगा, डी में कर रहा है प्राइस इतना से घट जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मैकलॉन ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय वाई वन बाय वन प्लस वाई बाय एन। तो वाई कितना है हमारा यहाँ पे, वाई एन कितना है, एन है 5 साल और वाई है 0.08। तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3.9 upon 1.3 divided by 1.04 यानी 3.75। और दोस्तों यील्ड का डिफरेंस कितना है बताइए, पहले यील्ड था 8% और अब यील्ड हो गया 7.90 यानी डिफरेंस हो गया 0.10। तो दोस्तों जो प्राइस में चेंज होगा वो होगा मैकलॉन ड्यूरेशन टाइम्स डिफरेंस इन यील्ड। तो डिफरेंस इन यील्ड है 0.10 और हमारा मैकलॉन ड्यूरेशन है 3.75, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.375 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मार्केट यील्ड जो है 7.90 घट गया है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है ना, यदि यील्ड घटेगा तो प्राइस हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों कितना प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस 0.375 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, ईसीजीसी इंडिया का कंट्री को 7 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, उसमें से B2 क्या इंडिकेट करता है, ए इनसिग्निफिकेंट रिस्क, बी लो रिस्क, सी मॉडरेटली लो रिस्क और डी मॉडरेट रिस्क।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो कभी मॉड्यूल बी में, कभी ए, कभी सी, कभी डी, तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है मॉड्यूल वाइज। एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए आपका प्रैक्टिस इस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों ECGC ने जो क्लासिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे चार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। A1 है इनसिग्निफिकेंट रिस्क, A2 है लो रिस्क, B1 मॉडरेटली लो रिस्क, B2 मॉडरेट रिस्क, C1 मॉडरेटली हाई रिस्क, C2 हाई रिस्क और D वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों B2 के बारे में क्या है, B2 हमारा मॉडरेट रिस्क है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक नॉमिनेटेड बैंक ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया है जो कि LC के अंदर ड्रॉ किया गया था 22 जुलाई को, वेडनेसडे का दिन था, तो लास्ट दिन कब होगा जब डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा ताकि पेमेंट कर दिया जाए। समझ रहे बात को, नॉमिनेटेड बैंक ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया LC का, कब रिसीव किया, तो 22 जुलाई को रिसीव किया और वेडनेसडे का दिन था, तो कब तक उसको एग्जामिन करने का समय दिया गया है, ठीक है। ए है 29 जुलाई, बी है 26 जुलाई, सी है 28 जुलाई और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 बैंकिंग डेज है जिसमें से सैटरडे और संडे हॉलीडे हो सकता है। तो और फॉर्मूला ये चीज याद रखिएगा, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए टाइम कितना दिया गया है, इशूइंग बैंक हो या कंफर्मिंग बैंक हो या कोई नॉमिनेटेड बैंक हो, सभी के पास 5 बैंकिंग डे होता है। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को हम हॉलीडे यदि मान लें तो बेसिकली हमारे पास 5 दिन होगा बैंकिंग डेज फॉलोइंग द डे ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन के बाद, जिस दिन रिसिप्ट हुआ उस दिन नहीं, उसके अगले दिन से, ठीक है, ताकि इन 5 दिनों में वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करे और डिटरमाइन करे कि वो लेना है या ना लेना है। दोस्तों मैंने LC का PDF प्रोवाइड किया है अपने मेंबर्स को, तो वो PDF में मैंने सभी पॉइंट्स को, UCPDC का जितने भी एक्ट्स हैं उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरे इस चैनल पे आपको LC से रिलेटेड केस स्टडी भी मिल जाएंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, NRI जो है किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा नहीं लिखा हुआ है। पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा स्मॉल सेविंग स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा ट्रेजरी बिल और चौथा है म्यूचुअल फंड का यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा कोई भी रेसिडेंट जो कि PPF में अकाउंट खुलवा रहा है और वो यदि नॉन रेजिडेंट हो जाए जब भी मैच्योरिटी पीरियड के अंदर, तो उसे उसका अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है, उसी दिन से जब से वो नॉन रेजिडेंट हुआ। तो याद रखिएगा PPF में आपको इन्वेस्टमेंट को NRI नहीं कर सकता है या स्मॉल सेविंग स्कीम में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक है जिसका 10 डे का VAR दे रखा है 100 मिलियन का, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि उसका डेली लॉस 3.75 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा 3 दिन 1 साल में, फिर डेली लॉस जो 100 मिलियन एक्सीड कर जाएगा 3 दिन 1 साल में। सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। दोस्तों VAR पे क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट 1 में भी लिया था, MCQ का पार्ट 1 सेशन जो था उसमें भी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि VAR का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप वहाँ जाके उसे समझ सकते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल में 250 वर्किंग डेज है। तो दोस्तों डेली VAR का फॉर्मूला तो पता ही होगा, कैसे निकालिएगा बताइए। आपको 100 मिलियन जो दिया हुआ है वो 10 दिन का VAR है, डेली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 31.65 मिलियन। समझ रहे हैं बात को, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि 1% चांस है VAR के ऊपर लॉस में। टोटल दिन कितना है, 250 दिन है, 1% 250 का कितना होगा, 2.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन मान सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका 1% निकला हमारा वो कितना होगा, 3 डेज इन अ ईयर होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा स्पेस से रिलेटेड, टाइम बकेट से रिलेटेड है। तो आप लोग कहते हैं कि टाइम बकेट का केस स्टडी करवाइए, तो आपके सामने है टाइम बकेट का केस स्टडी, ध्यान से कीजिए इस केस स्टडी को। ABC बैंक ने कुछ डाटा दिया था रेट सेंसिटिव एसेट के बारे में और रेट सेंसिटिव लायबिलिटी के बारे में बैंक का 31 मार्च 2018 को। देखिए एक कॉलम है टाइम बकेट का, एक कॉलम है एसेट का, एक कॉलम है लायबिलिटी का, एक कॉलम है गैप का और एक कॉलम है कुमुलेटिव गैप का। अब देखिए ये टोटल भी किया हुआ है, अब कुछ आंसर, अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि इंटरेस्ट रेट जो है 50 बेसिक पॉइंट स्किल से फॉल कर गया सेकंड टाइम बकेट में, तो NII पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है 0.50 करोड़ बढ़ जाएगा, दूसरा है 0.50 करोड़ घट जाएगा, 1 करोड़ बढ़ जाएगा, 1 करोड़ घट जाएगा। तो दोस्तों जरा सेकंड टाइम बकेट का गैप को देखिए कितना है, बताइए सेकंड का टाइम बकेट गैप को जरा देखिए, तो आप जरा गैप बताइए कितना है। गैप 100 दिख रहा है ना आपको, चलिए 100 आपको गैप मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक पॉइंट स्केल कितना का रेट इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, 50 बेसिक पॉइंट स्केल फॉल कर रहा है ना दोस्तों। अब बेसिक पॉइंट स्केल जब मैं बोलता हूँ तो ये पैसा है, पैसा को रुपीज में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो एक तो 100 है परसेंटेज के लिए और एक 100 है आपका
था 65 रुपीज़ कन्वर्जन के लिए, इसीलिए आप डिनोमिनेटर में 10,000 देख रहे हैं। आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों 10,000 लिखा गया है, 100 × 100 किया गया है, समझ रहे हैं बात को। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50/10,000 से, जो कि आपको मिल जाएगा 0.50। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा और इंटरेस्ट फॉल, इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा घट रहा है तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, ये तो बेसिक सी बात है, समझ रहे हैं। बेसिकली एक हमारा, समझिए बात को, इंटरेस्ट रेट घट रहा है ना तो जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, और जो 100 है हमारा वो तो गैप पॉजिटिव है, गैप हमारा पॉजिटिव है और इंटरेस्ट रेट का जो चेंज है वो नेगेटिव है। तो आप यदि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना, इसलिए जो NII है वो हमारा घट जाएगा, कितना घट जाएगा तो -0.50 घट जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट स्केल से बढ़ जाए 5वां टाइम बकेट में यानी 1 से 3 साल तक तो NII पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जरा 5/5 टाइम बकेट का गैप निकालिए, गैप देखिए कितना है। तो 5th टाइम बकेट 1, 2, 3, 4, 5 देखिए -50 गैप है, चलिए यहाँ पे देखिए गैप नेगेटिव है आपका, समझ रहे हैं बात को। तो गैप आपका नेगेटिव है, फिर से वही काम, 50 बेसिक पॉइंट स्केल घटा है ना हमारा इंटरेस्ट रेट, तो आप क्या कीजिएगा 50 × 50/10,000 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये आप कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.25। और फिर से वही बात, एक पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे हमारा राइज हुआ है, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट का चेंज पॉजिटिव है और गैप हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों ये हमारा 0.25 है वो हमारा नेगेटिव है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ फिर से देखिए इंटरेस्ट रेट 25 बेसिक पॉइंट स्केल से घट गया, अब किस टाइम बकेट में घटा है, 6th टाइम बकेट में घटा है तो NII पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जरा 6th टाइम बकेट को देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 3 से 5 साल गैप निकालिए, गैप कितना है 100। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चार्ट में से किस डाटा को हमें यूज करना है, बाकी तो स्क्रैप है, बाकी हमें से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखिए एसेट लायबिलिटी यदि दिया हो तो गैप आप कैसे निकालते हैं ये सब भी देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर चार्ट से। क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है, आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 से 5 साल का गैप है वो 100 है। तो फ्रेंड्स आपको 100 × 25/10,000 कर लीजिए तो मिल जाएगा 0.25। फिर से वही बात, यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों घट रहा है, सॉरी गैप पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए -0.25 होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 7th टाइम बकेट में इंटरेस्ट रेट 75 बेसिक पॉइंट स्केल से बढ़ गया, घट गया तो NII पे क्या इम्पैक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक के पास क्या इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट चेंज का NII पे। अब देखिए इंटरेस्ट जब हमारा बढ़ रहा होता है तो इंटरेस्ट रेट के चेंज के पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है NII पे, एडवर्स, फेवरेबल, न्यूट्रल और इनसफिशियंट इनपुट, बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फेवरेबल, जब हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज पॉजिटिव हो तो उस केस में हमारा जो फेवरेबल इम्पैक्ट होता है NII पे। तो आप इसको यदि समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो मैंने एक केस स्टडी बनाया है NII पे, मेरे BFM के केस स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको जाके देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट सिनेरियो फॉल कर रहा है, और मैंने एक चार्ट भी बनाया था दोस्तों जो मैंने अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किया है, उसमें बेसिकली मैंने इसको दिखाया है कि किस चीज़ का इफेक्ट कैसे होता है और फॉलिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक का क्या इंपैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट चेंज पे NII पे, तो ये एडवर्स होगा ऑब्वियस सी बात है। 22 नंबर क्वेश्चन में है, टोटल रेट सेंसिटिव एसेट फॉर द बैंक इज, तो टोटल रेट सेंसिटिव एसेट कैसे निकालेगा। देखिए टोटल रेट सेंसिटिव आपको 5500 दिया हुआ है, 5500 देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना रेट सेंसिटिव एसेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एसेट है 250, तो सेंसिटिव एसेट कितना हो जाएगा, टोटल माइनस एसेट यानी कि 5250। टोटल रेट सेंसिटिव लायबिलिटी कितना होगा, टोटल है 5500, लायबिलिटी है 350, तो सेंसिटिव लायबिलिटी को सबट्रैक्ट कर दीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ RBI, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ RBI टू चेक इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, यानी इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट RBI के हैंड में नहीं है। ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है SDR, ऑप्शन सी है बैंक रेट, ऑप्शन डी है कैश रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों SDR करेक्ट आंसर इसका, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, SDR से RBI इन्फ्लेशन को चेक नहीं करती है। 25th नंबर क्वेश्चन है, NRE रुपीज जो फिक्स डिपॉजिट है 10 साल के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो किससे लिंक है, 3 साल के लाइबर से, 10 साल के लाइबर से, 10 साल के लिए NIFOR से और 10 साल के लिए BPLR से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 3 साल के लाइबर से। अब देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल सी से है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, क्रॉस करेंसी बेसिक स्वैप, क्रॉस करेंसी कूपन स्वैप, इक्विटी स्वैप। ए है एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स इंटरेस्ट रेट विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इन द सेम करेंसी, बी है एक्सचेंज ऑफ फिक्स विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट
इन द डिफरेंट करेंसी। सी है एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट, उसी तरह डी और ई है आपका। तो देखिए, याद रखिए इसका मैं ट्रिक समझाता हूँ। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है उसके लिए ए होगा, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे एक्सचेंज होगा फ्लोटिंग और सेम करेंसी में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से। करेंसी स्वैप में क्या हो गया कि फिक्स इंटरेस्ट रेट का डिफरेंट करेंसीज में एक्सचेंज होगा। फिर आपका जो क्रॉस करेंसी बेसिक स्वैप में क्या हो गया कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज होगा डिफरेंट करेंसी में। क्रॉस करेंसी कूपन स्वैप में क्या होगा कि फिक्स्ड का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ एक्सचेंज होगा डिफरेंट करेंसी में। और इक्विटी स्वैप में क्या होगा कि रेट ऑफ रिटर्न का एक्सचेंज होगा फॉर फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑफिस को क्रिएट किया गया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे मैनेजमेंट के बारे में और इंप्लीमेंट करे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ट्रेजरी, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका मिड ऑफिस यानी रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिए ये चार्ट मैंने इस चार्ट को आपके बुक से कलेक्ट किया, इसे ध्यान में रखिएगा। मिड ऑफिस में काम है रिस्क मैनेजमेंट का, फ्रंट ऑफिस का काम है बाय और सेल इन मार्केट का, बैक ऑफिस का काम है वेरिफिकेशन सेटलमेंट ऑफ डील्स का। तो देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों ये पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है दोस्तों। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और भी लोगों को शेयर कीजिए, और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनका भी बीएफएम का पेपर उनका भी आसान हो जाए और वो भी आसानी से बीएफएम के पेपर को क्रैक कर पाए दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर अंडर आईआरबी अप्रोच। आईआरबी अप्रोच के अंदर कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन किस चीज का फंक्शन है? ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ऑप्शन बी लॉस गिवन द डिफॉल्ट, ऑप्शन सी मैच्योरिटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा आईआरबी अप्रोच में यानी इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में जब आप कैपिटल चार्ज को कंप्यूट करते हैं तो इन तीनों को आप प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों। इस पर मैंने वीडियोज भी बनाए हैं मेरे चैनल पे, आपको प्रीवियस ईयर रिटेल बैंक सॉरी बीएफएम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि आप मेरे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसको देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे फोकस हमें ज़्यादा करना है। और बेसिकली ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पे ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डैश रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय पुटिंग इन प्लेस स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम स्पेसिफाइड कंटिजेंसी। यानी किस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम को पुट करके। ए है सवीन रिस्क, दूसरा है कंट्री रिस्क, तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, चौथा है सिस्टमैटिक रिस्क। दोस्तों ये बुक का कटिंग है, देख सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं आप कैसे? तो स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम के थ्रू, कंटिजेंसी प्लान के थ्रू, डिजास्टर कंट्रोल के थ्रू और सफिशियंट बैकअप अरेंजमेंट के मैन और मशीन के लिए और डुप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट साइट्स पे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशनल रिस्क। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये मेरा राइटिंग से मैंने कलेक्ट किया है। तो देखिए ये बेसिक पॉइंट वैल्यू से क्वेश्चन है इंटरनेशनल, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप राइटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसे डिक्टेट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बैंक परचेज 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद फेस वैल्यू ऑफ 10,60 इज फॉर 8.5% डील। समझिए, इंटरनेशनल बैंक ने 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा है, फेस वैल्यू दे रखा है 1,060 रुपया, ठीक है, और कितना परसेंट यील्ड है? 8.5% यील्ड है। अब चेंज यील्ड में चेंज आ गया, अब यील्ड 8.5 से 9% हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है अदर सिक्योरिटीज़ का जो वैल्यू था वो घट के हो गया, पहले कितना था बताइए, पहले था 1,060, अब वो घट के हो गया 1,020। यानी कुल मिलाकर दो काम हो रहा है दोस्तों, पहले सिक्योरिटी का वैल्यू था 1,060, अब वो घट के हो गया 1,020। पहले जो हमारा फेस हमारा जो यील्ड था वो था 8.5, अब वो बढ़ के हो गया 9%। समझ रहे हैं बात को? ऑन द बेसिस ऑफ एवर इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन बेसिक पॉइंट वैल्यू। आपको डाटा दिया गया हुआ है, अब इसके बेसिस पे आप बेसिक पॉइंट वैल्यू के चेंज को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन द यील्ड, यानी एक यदि यील्ड में एक बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो आपको यह बताना है कि बेसिक पॉइंट वैल्यू में कितना चेंज होगा। ऑप्शन ए है 40 रुपया का, ऑप्शन बी है 50 पैसे का, ऑप्शन सी है 80 पैसे का, ऑप्शन डी है इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। बेसिक पॉइंट वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं इसे। एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो दोस्तों बेसिक पॉइंट वैल्यू का फॉर्मूला है चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन यील्ड। तो दोस्तों वैल्यू में कितना चेंज हुआ, पहले था 10,060, अब घट के हो गया 1,020। तो 1,060 माइनस 1,020 चेंज इन यील्ड कितना हो गया, 9 से लेकर 8.5। तो दोस्तों इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 40 बटे 0.5 यानी 80 पैसा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द यील्ड बाय 100 बेसिस पॉइंट, मान लीजिए यील्ड हमारा 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है इंस्टीट्यूट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट, पहले 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, अब उस 50 की जगह मान लीजिए 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो दोस्तों हमारा सिक्योरिटी के प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो बेसिक पॉइंट वैल्यू तो हमारा वही रहेगा ना दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वैल्यू अपन चेंज इन यील्ड। तो दोस्तों चेंज इन वैल्यू तो हमारा कितना हो गया, वो तो उतना ही का उतना ही है, लेकिन यहाँ पे यील्ड का चेंज जो है अब क्या हो गया 99 के जगह। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 80 पैसा आपने निकाल लिया,
अब समझिए बात को, 100 बेसिस पॉइंट में चेंज कितना आएगा, तो आप 80 पैसा को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से गुना करके, यानी 80 होगा। तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा, ओल्ड फेस वैल्यू माइनस चेंज इन वैल्यू, यानी 1060 माइनस 80 यानी कि 960। समझ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 960। 32 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी को इमीडिएटली सेल कर देते हैं ताकि लॉस को हम स्टॉप कर पाए, तो उस सेल ट्रांजैक्शन में बैंक कितना लॉस करेगी। तो दोस्तों लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस करंट वैल्यू, परचेस प्राइस माइनस करंट वैल्यू। परचेस प्राइस कितना था, 1060, करंट वैल्यू कितना है, 1020। समझ रहे हैं बात को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 1020 दिया हुआ था, ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 40 रुपये का, 40 का सोल्ड किया जा सकता है। तो पर बॉन्ड जो है, यानी एक बॉन्ड पे करेक्ट आंसर है रुपीस, ऑप्शन नंबर सी यानी ₹40 पर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हमारा एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैपिटल और रिजर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैंक ए का इक्विटी कैपिटल 2000, नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1500, PCNPS शेयर 1000, जनरल प्रोविजन एंड लॉस 800, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1700, फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन 300। तो CET1 कैपिटल पूछा गया है कितना होगा, तो दोस्तों CET1 कैपिटल का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, मेरा एक वीडियो बना हुआ है कैपिटल कैलकुलेशन का, उसे मैंने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को समझाया है, किसे टायर 1 में लेते हैं, किसे टायर 2 में लेते हैं, आप मेरे BFM के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैंने उसमें केस स्टडी भी करवाया, जितना पॉसिबल चीज़ है मैंने करवाया उसमें। तो दोस्तों अभी मैं वो चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, CET1 में आपका आ जाएगा क्या क्या बताइए, इक्विटी कैपिटल आएगा, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो 45% पे आएगा, 55% का डिस्काउंट होता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 1700, 1700 का 45% ले लीजिए। दोस्तों एक यहाँ पे मिस्टेक आपको दिख रहा होगा, मिस्टेक ये है कि ये जो मैंने 25% लिखा है वो गलत है, वो 75% होगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट पे हम लोग फॉरेक्स को लेते हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 75% होगा दोस्तों, 25% डिस्काउंट पे लेते हैं, तो डिस्काउंट यदि 25% लेंगे तो यानी कितना परसेंट लेना होगा बताइए, 75% ही तो लेना होगा, तो 300 का 75% 225 होगा। और दोस्तों PLLPA प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये सब के सब हमारे CET1 के कैपिटल के कंपोनेंट है, सभी को जोड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 3140। अब 81 कैपिटल, एडिशनल टायर 1 कैपिटल का अमाउंट बताना है, तो दोस्तों 81 कैपिटल में आता है PNCPS शेयर, मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है, तो PNCPS शेयर कितना दिया हुआ है बताइए, 1000 दिया हुआ है, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है टायर 1 कैपिटल बताना है, तो दोस्तों टायर 1 कैपिटल कुछ और नहीं बल्कि CET1 प्लस 81 है, CET1 हमने निकाला 3140 और 81 हमने निकाला 1000 यानी 41। दोस्तों केस स्टडी इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व द केस स्टडी, सो इट मींस यू योर कॉन्सेप्ट बिकम मोर एंड मोर क्लियर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टायर 2 कैपिटल का अमाउंट पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो टायर 2 कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे बताइए। तो टायर 2 कैपिटल ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आप पता लिख लीजिए कि जो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो आते हैं, जो जनरल प्रोविजन एंड लॉस हैं वो RW के 1.25% आते हैं, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो आते हैं। तो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1500 है, जो हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस होगा वो RW कितना है, देखिए RW आपको 42000 दिया हुआ है दोस्तों, उसका आप 1.25% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 525, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो 1000 है, जोड़ लीजिए तो 3025 मिल जाएगा। टोटल कैपिटल फंड के लिए क्या कीजिएगा, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल को जोड़ लीजिए यानी 1765 मिल जाएगा। इसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो वो था टोटल कैपिटल फंड अपॉन RWA यानी कि 17.06 अंडर बेसल 3 एडिशनल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, बेसल 3 के अंदर एडिशनल 2.5 कैपिटल ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग मिनिमम CAR रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी केप्ट फॉर। बेसल 3 ये बोलता है कि मिनिमम CAR तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको 2.5% एडिशनल कैपिटल को मेंटेन करना है। आखिर ये किस चीज़ के लिए मेंटेन करना है 2.5%? ऑप्शन ए है कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन बी है कैपिटल फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन सी है कैपिटल कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, ऑप्शन डी है कैपिटल कंजर्वेशन बफर के लिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, CCB कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये मैंने काफ़ी मेहनत करके इसे आप कलेक्ट किया आपके लिए, ध्यान रखिएगा जो CET1 होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है दोस्तों CET1 कम से कम 5.5% रिस्क वेज एसेट का होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क, समझ रहे हैं बात को, रिस्क वेट एसेट किसका किसका होगा, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों का, समझ रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए, उसका RWA निकाल लीजिए, उसका 5.5% निकाल लीजिए, तो उतना से ज़्यादा होना चाहिए हमारा CET1। मान लीजिए सबको जोड़ के आपको 100 आ गया, तो 100 का 5.5% कितना होगा बताइए, 5.5 ही तो होगा, तो CET1 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टायर 1 कैपिटल जो है कम से कम 7% RWA का होना चाहिए, CET1 5.5%, टायर 1
और 7%, ठीक है। दस विद इन द मिनिमम टायर वन कैपिटल एडिशनल, तो आप जो देखिए अभी मैंने बताया ना टायर वन का दो पार्ट है, CET1 है और 81 है, तो बताइए 81 कितना होगा, तो 81 जो है मैक्सिमम 1.5% हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कल मैंने एक केस स्टडी करवाया था जिसपे आपको इस कंसेप्ट का यूज हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा, तो मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। CET1 5.5%, 81 मैक्सिमम है, देखिए CET1 मिनिमम है 5.5%, ठीक है। CET1 मिनिमम कितना है 5.5% है, जो हमारा टायर वन मिनिमम कितना है 7% है, और 81 मैक्सिमम कितना है 1.5% है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा मॉड्यूल डी से है, नेटवर्थ 1350 है, RSA 1825 है, RSA क्या होता है, रिस्क सेंसिटिव एसेट होता है, 18251 है, RSL 18590, मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप DA दिया हुआ है, DA ड्यूरेशन 1.96 और DL दिया हुआ है, देखिए DA मतलब ड्यूरेशन ऑफ एसेट और DL मतलब ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 1.25। तो दोस्तों वेट पूछा गया है, तो दोस्तों वेट का फॉर्मुला होता है RSL अपन RSA, मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है अपने इंटरेस्ट रेट वाले टॉपिक में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मॉड्यूल डी का क्विक रिवीजन सेशन अवेलेबल है, उसको जरूर जाके देखिए, मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को वहाँ क्लियर किए हैं। तो वेट का फॉर्मुला है RSL अपन RSA, यानी कि करेक्ट आंसर है 1.02। DGAP पूछा गया है, DGAP का फॉर्मुला है DA माइनस W टाइम DL, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताए थे DGAP को याद करने के, यदि आपने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का वीडियो मैंने डाला था, उसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे इस फॉर्मूले को आप रट सकते हैं दोस्तों, जाके देखिए उसे, क्योंकि वही शॉर्ट ट्रिक सब एग्जाम में काम आएगा। तो डीजीएपी का करेक्ट आंसर होगा 0.69। लिवरेज रेशियो पूछा गया है, ये लास्ट साल लिवरेज रेशियो ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फॉर्मूला काम भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से याद करना सिखाया है दोस्तों। तो लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला RSA अपन नेटवर्थ यानी 13.52 होगा। 43 में आपसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी पूछा गया है, इसका फॉर्मूला है DGAP टाइम्स लिवरेज रेशियो, ये आपको 9.33 ईयर्स मिल जाएगा। इसके बाद पूछा गया दोस्तों, यदि रेट में 200 बेसिक पॉइंट का चेंज आया तो इक्विटी वैल्यू में कितना का ड्रॉप होगा, तो दोस्तों इक्विटी वैल्यू में चेंज इन रेट इनटू MD होता है, यानी 18.66 होगा। अब दोस्तों एक स्टॉक प्राइसिंग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, इस ध्यान से पढ़िए। दो स्टॉक है A और B, उनका नेगेटिव कोरिलेशन 90% दिया हुआ है उनके बीच का। पोर्टफोलियो के अंदर हमारा स्टॉक A का 200 यूनिट है जिसका मार्केट प्राइस है 100 रुपया, स्टॉक B का 100 यूनिट है जिसका मार्केट प्राइस है 200 रुपया, स्टॉक A का प्राइस जो है 30% ऊपर बढ़ गया, तो आपको पूछा गया कि पोर्टफोलियो पे आपको गेन और लॉस कितना होगा। तो दोस्तों कोरिलेशन कितना है हमारा 90% का है, यानी 0.90, जो कि हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे दिखा हुआ है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों स्टॉक का जो प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यदि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस घटेगा, समझ रहे हैं बात को, और किस फैक्टर से घटेगा तो 0.90 फैक्टर से बढ़ेगा, 0.90 फैक्टर से घटेगा। अब दोस्तों ये बताइए कि स्टॉक ए का प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों अभी करंट प्राइस कितना है, दोस्तों अभी करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपया, अब यदि 30% आप इसके प्राइस को बढ़ा देंगे तो अब वो हो जाएगा 130 रुपया, समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों स्टॉक बी के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उतना ही तो घट जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 30% का 0.90 निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 27% मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक बी का उतना घट जाएगा, अभी मैं बताया दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, तो बहुत ही सिंपल, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये इसमें BFM से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 200 × 1 - 0.27 यानी ₹146। अब दोस्तों बात ये आती है कि आपको गेन कितना हुआ, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फाइनल प्राइस कितना है हमारा एक स्टॉक का 130 रुपया है, और टोटल स्टॉक टोटल यूनिट कितने हैं 130, टोटल यूनिट है 200, तो एक सिंपल सी बात है, यदि एक यूनिट स्टॉक ए का है उसका प्राइस है 130 रुपया, तो 200 यूनिट का दाम कितना हो गया, यूनिटेड मेथड लगाइए, यानी 200 × 130, ठीक है। चलिए अब जरा आ जाइए आप बी के वाले केस में, अच्छा ए वाले केस में, अभी हम पहले ए का ही बात कर रहे हैं। शुरू में प्राइस कितना था ए का, एक स्टॉक का 100 रुपया था, और कितने स्टॉक थे हमारे पास, 200 स्टॉक थे, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 100 × 200, तो दोस्तों आपको गेन कितना का हुआ बताइए, दोनों को सपरेट कर लीजिए, यानी कि 6000 रुपये का गेन हुआ स्टॉक ए पे। अब जरा स्टॉक बी पे आ जाइए, स्टॉक बी का इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस तो निकाल लीजिए ना, इनिशियल प्राइस कैसे निकालिएगा, तो स्टॉक बी का कितना था स्टॉक आपके पास, उसका मार्केट वैल्यू था 200 और 100 यूनिट था, तो 100 × 200 ये इनिशियल प्राइस हो गया, अब चेंज करके कितना हो गया, चेंज हो गया 146 रुपया, और अभी भी आपके पास 100 यूनिट है, तो 146 × 100, तो दोस्तों लॉस आपका हुआ
कितने का, 54 माइनस 5400 का, तो टोटल मिलाकर आपको यदि ए और बी जोड़ दिया जाए तो आपको 600 रुपया का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जिनका ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आईबीपीएस का एग्जामिनेशन जब दिया होगा तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। तो दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विथ बीएफएम, दिस क्वेश्चन इज प्राइमरली रिलेटेड टू सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन। सो लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और केस स्टडी देखते हैं जिसमें 46 से 50 का क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। इसमें देखिए इंटरेस्ट अर्न दिया हुआ है 60,000 रुपया, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है 30,000 रुपया, इनकम ऑन सेल दिया हुआ है 400 करोड़, अच्छा सब करोड़ में है डाटा, अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम है 600 करोड़, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है 800 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 12,000 करोड़। तो पहले में पूछा गया है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क के लिए ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इनकम का अमाउंट बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मुला तो पता ही होगा आपको, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मुला इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड, तो उस बेसिस से आप ग्रॉस इनकम निकाल सकते हैं। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। उसके बाद सेकंड में पूछा गया है कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बीआईए कितना होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डाटा का, ठीक है। अब दोस्तों कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बीआईए का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि पहले में जो आपने ग्रॉस इनकम निकाला उसका 15% निकाल लीजिए। दोस्तों यदि इसे अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा एक 15 मिनट का वीडियो ही ऑपरेशनल रिस्क पे केस स्टडी का, वहां पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली आर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को कहा गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट ऑन प्लस अदर नॉट इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आप लोग मेरे जो ये सेशन को देख रहे हैं आप एक काम कीजिएगा, जितने भी फॉर्मुलेस आ रहे हैं सामने उसका नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करने में वही से फॉर्मूला काम आएगा और उसी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का लेसन और बनाऊँ तो दोस्तों इसको इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। यदि ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो ये मुझे भी मोटिवेट करेगा कि मैं भी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ इस तरह के, और आपको ये फ़ायदा होगा और ज़्यादा चांस रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन आने के लिए। तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।